بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله भाई साहब वॉल्यूम जरा ज्यादा कीजिएगा। उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर वज़करल्लाह कसीरा। بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और आपकी हयात तय्यबा में उसवा हसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं उस शख्स के लिए जो आखरत पर यकीन रखता है और अल्लाह से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, शरह सदर अता नहीं किया और आप पर से वो बोझ उतार नहीं दिया जो आपकी कमर को तोड़े दे रहा था और आपका जिक्र बुलंद नहीं फरमाया? तो देखो, मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप फारिग हों तो इबादत में सरगर्म हो जाया करें और अपने रब से ही लौ लगाया करें। सदक अल्लाह मौलाना। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन अल-जज़ा। ये थे मोहतरम कारी हाफिज अहमद हाशमी साहब, जिन्हायत खूबसूरत आवाज में अल्लाह के कलाम की तिलावत हमारे सामने पेश कर रहे थे। कारी हाफिज अहमद हाशमी साहब आलमी सतह पर क़िरात व तरतील में बहुत से अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आप जामिया लाहौर अल इस्लामिया से ग्रेजुएट हैं। आप पाकिस्तान भर की सरकारी और गैर सरकारी जामियात में बतौर मुमतहिन और बतौर मुनसिफ फ़राइज सर अंजाम देते रहे हैं और दे रहे हैं। आपकी कुरान करीम से मोहब्बत और क़िरात में सबसे शानदार खराज तहसीन हुकूमत कुवैत की तरफ से आपको मिला। कुवैत की वदारत औकाफ ने एक कुरानी कायदा शाया किया जिसके साथ एक खुदकार रीडर पेन भी बनाया गया और ये कुवैत के कौमी निसाब का हिस्सा है। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ लाए। हमद बारी तआला के लिए मैं दावत देती हूँ मोहतरमा रिदा फातिमा। रिदा फातिमा लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा उलूमे इस्लामिया की फादिल हैं और हमदोनात के बहुत से मुकाबले जीत चुकी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Ya Kareem Allah, Ya Rahim Allah, Ya Kareem Allah, Ya Rahim Allah, Rahman wa Rahim Allah, Ya Azim Allah, Rahman wa Rahim Allah, Ya Azim Allah, रहमान रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह। तेरा हर रंग आया ऐ मेरे रहमान रहीम, तेरा हर रंग आया ऐ मेरे रहमान रहीम, तू ही हर शय में नेहा ऐ मेरे रहमान रहीम, तू ही हर शय में नेहा ऐ मेरे रहमान रहीम, या करीम अल्लाह,
या रहीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह। तू ही सुनता है हर एक कौम के जज्बों का बयां, तू ही सुनता है हर एक कौम के जज्बों का बयां, बेज़बानों की ज़बां ऐ मेरे रहमान रहीम, बेज़बानों की ज़बां ऐ मेरे रहमान रहीम या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह। फिक्र देती है मुझे झुकने का तेरे आगे, फिक्र देती है मुझे झुकने का तेरे आगे, पंज वक्ता की अज़ा ऐ मेरे रहमान रहीम, पंज वक्ता की अज़ा ऐ मेरे रहमान रहीम या करीम अल्लाह या रहीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या अजीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या करीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह या अज़ीम अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन अल-जज़ा। ये थी मोहतरमा रीदा फातिमा जो हमदे बारी ताला पेश कर रही थी। इसके साथ ही हमारे स्टेज पे पड़ी खाली कुर्सियाँ कुछ मुतालिबा कर रही हैं कि हमारे मौजूद मेहमान आने ग्रामी को दावत दी जाए, वो अपनी अपनी कुर्सी संभालें। इस सेशन की सदारत फरमा रही हैं सदर शोबा उलूम इस्लामिया मोहतरमा प्रोफेसर मिस हफ्सा मुनीर साहिबा। मैं उन्हें दावत देती हूँ कि वो कुर्सी सदारत पे तशरीफ़ लाएँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर मोहतरमा प्रोफेसर बुशरा नदीम साहिबा। उन्हें भी मैं दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारे नहायत काबिल कद्र मेहमान जो हमारे इस सेशन में मेहमान एजाज भी हैं, उनके आने से हमारी इस निशस्त में रौनक भी बढ़ी और इंशाअल्लाह आगे हम उनसे इस्तिफादा भी बेहद करेंगे। तो मैं दावत देती हूँ बल्कि दरख्वास्त करती हूँ मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। मोहतरम प्रोफेसर का तफसीली तारुफ मैं इनके खिताब से पहले पेश करूंगी। अब सिर्फ इतना कहूंगी, सरगोधा यूनिवर्सिटी में अब वाइस चांसलर के तौर पे बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जो इनके बेहतरीन तजर्बे मुशाहदे और इनके खूबसूरत विजन की अक्कासी करता है। इसके बाद मेरा पैगंबर अजीम तर है
تشریف لاتی ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے محترمہ ردا فاطمہ. طالبات سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اپنے موبائلز کے گلے بند کر دیں. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, پروفیسر ڈاکٹر فرا خان صاحبہ تشریف لا چکی ہیں, ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہیں اور انہیں اسٹیج پر تشریف لانے کی درخواست کرتی ہوں. محترمہ ڈاکٹر فرا خان, آپ ریسرچ ڈائریکٹوریٹ کی سربراہ ہیں, ڈائریکٹر ریسرچ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, وہ شرح احکام حق تعالیٰ, وہ خود ہی قانون خود حوالہ, وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری, وہ آپ مہتاب آپ حالا, وہ عکس بھی اور آئینہ بھی, وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی, وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, شعور لایا کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا, دیا بھی کامل نظام اس نے, اور آپ ہی انقلاب لایا, وہ علم کی اور عمل کی حد بھی, وہ علم کی اور عمل کی حد بھی, وہ ہر زمانے کا راہبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سی جو ایک چار پائی, بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے, نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی,
यही है कुल कायनात जिसकी गिनी न जाए सिफात जिसकी वही तो सुल्तान बहरोबर है मेरा पैगंबर अजीमतर है मेरा पैगंबर अजीमतर है मेरा पैगंबर अजीमतर है। बरकल्लाहु फीहा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। रिदा फातिमा हर साल फारिग होने के बाद भी तशरीफ़ लाती हैं हमारी दावत पे, अल्लाह ताला इनके ज़िंदगी के लिए सहूलतें और आसानियां पैदा फरमाए। उनकी सिफतें हद से बढ़कर कैसे कहूँ मैं नाते पैंबर। इसके साथ ही फिरातुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली निशस्त का अगला मरला मोहतरमा सदर मजलिस की इजाज़त के साथ शुरू किया जाता है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम वेब टीवी LCWU पे भी जा रहा है और लाहौर कॉलेज ब्राय ख़वातीन यूनिवर्सिटी के FM 96.6 वाइज ऑफ LCWU पे भी ऑन एयर है। इस निशस्त का उन्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफ़त शान पर मुश्तमिल है। बिलाशुबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस को जिस तरह रब्बे करीम ने, जो इज्जतों का मालिक और इज्जतें देने वाला है, जिस तरह रसूल करीम को इज्जतें दी, रिफ़तें दी, बरकतें दी, इसका अल्लाह ताला ने बावजूद इसके कि उसके पास कुदरत अजीम है, लेकिन अल्लाह ने कोई दूसरा ऐसा अजीम उशान रफ़ी उशान शख्स पैदा नहीं फरमाया। तो मैं खुतबा इस्तिक़बालिया के लिए दरख्वास्त करती हूँ सदर शोबा उलूम इस्लामिया मोहतरमा प्रोफेसर मिस हफ्सा मुनीर साहिबा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, मैं इस बावक़ार ईवान में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। ज़िक्र माबूद से रूहों को जिला मिलती है, ज़िक्र माबूद से रूहों को जिला मिलती है, फ़िक्र महमूद से ज़हनों को शिफा मिलती है। हो अगर हलके यारा यूं बसीरत अफरोज, हो अगर हलके यारा यूं बसीरत अफरोज, फ़ानी अजसाम को कुदरत से बका मिलती है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, आली कदर मेहमानाने गरामी, मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और मेरी अजीज तालिबात, रबीउल अव्वल की इस खूबसूरत सुबह, इस बाबरकत महफिल में तहदीद फिक्र भी होगी और तजदीद अहद भी। रब्बे कायनात की हकीकी रजा
और रहमत लिल आलमीन के नकूश की तलाश में सरगर्दा रहना हर मोमिन मर्द और औरत का अव्वलीन मकसद हयात है। इसके लिए हम जितना भी वक्त सर्फ करें, कितनी भी कोशिशें करें, कम है। इसी मकसद के लिए आज ये दरबाम सजाए गए हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से अल्लाह ताला ने सिर्फ एक हस्ती को मुंतखब करके उसे खातमुन्नबीजीन और रहमतुल्लिल आलमीन करार देकर वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम की सनद जारी करके अजल से अबद तक आने वाले पूरे आलम इंसानियत में बुलंद तरीन मकाम पर फाइज कर दिया। उस पर खुद दरूद भेजा, फरिश्तों को हुक्म दिया कि दरूद भेजें और मुसलमानों को बता दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे बगैर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी और ना ही कबूल होगी। और क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि नस्ल इंसानी में से जिस किसी को हिदायत और रहनुमाई हासिल करना है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे। करोड़ों दरूद और सलाम उस नाम पर कि जिसकी खूबियां अनगिनत हैं और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उनसे मंसूब हैं और हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया भी है। हम सब सोचें मंसूब हो किस नाम से, कुछ याद है तुमको? मंसूब हो जिस नाम से उस नाम को सोचो, रूहों में करो इसमें मोहम्मद से चरागां, उस नाम से ईमान का चेहरा रहे ताबां। ये नाम है रहमान की रहमत का तबस्सुम, ये नाम है अल्लाह की शफकत का तरन्नुम। इस नाम से कुरान का पैगाम मिला है, इस नाम से कामिल हमें इस्लाम मिला है, इस नाम से आईन मुआफात मिला है, इस नाम के साए में सदा अमन पला है, इस नाम से जरदार को तरगीब सखावत, इस नाम से नादार भी है साहिब अजमत, इस नाम को मेराज का एजाज मिला है, इस नाम को कुरान का एजाज मिला है। इस नाम के औसाफ को गिन सकते नहीं हम, इस नाम के औसाफ को गिन सकते नहीं हम, इस नाम की जितनी भी हो तौसीफ वो है कम। मौजूद हाजरीन, मैं रोशनी के इन सफीरों जिनमें आफ्ताब आलमताब हस्तियां भी हैं, नन्हे नन्हे जुगनू भी हैं और हम जैसे हकीर से चराग भी और इल्म हुनर के महताब भी, सबको एक दफ़ा फिर अपनी यूनिवर्सिटी और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मरहबा कहती हूँ। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सी जगह खैर अता फरमाए। ख़ास तौर पे मोहतरमा सदर शोबा ने जिस तरह जाती कोशें उस मोहब्बत भरे जज्बात के साथ की इस सेमिनार के इनेकाद के लिए, अल्लाह ताला उनको जगह खैर दी। वो मोहब्बत जो हम सब के सबका महसल है ज़िंदगी का, जो हमारी तमाम तर कारगुजारियों का कि अगर बुनियाद बन जाए तो यकीनन हम अल्लाह के यहाँ शायद उम्मीद की उस दरख्वास की के लिए एक यकीन सा हमारे अंदर आ जाए कि अल्लाह कबूल करेगा। इसके साथ ही इस नशस्त का कलीदी खिताब शुरू हुआ चाहता है और
हर दिल अजीज और मकबूल खतीब हमारे दरमियान मौजूद है, मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, आप जामिया पंजाब में अरबी अदब के उस्ताद रहे, बाद अज़ां अरबी और इस्लामी उलूम की फैकल्टी के डीन भी रहे और जामिया सरगोधा के वाइस चांसलर की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम देते रहे, जहां आपने अपनी दहानत तजर्बे और इल्मी और अदबी ज़ौक के साथ शानदार खिदमत सर अंजाम दी। आजकल जामिया पंजाब में इदादी प्रोफेसर के तौर पे खिदमत अदा कर रहे हैं। आपका मौजू है तज़कारे सीरत, ईमान अमले इर्तिका और यकीन आगही की असास। इसी सिलसिले में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के समाजी इदारों पर भी रोशनी डालेंगे। फैज़ याब आप से है नसीम सहर, फैज़ याब आप से है नसीम सहर, बहरमंद आप से है शमीम खयर, आपकी याद है रूह का इब्तिसाम, आप पर बेशुमार अस्सलात वस्सलाम। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم بہت ہی محترم ڈاکٹر پروفیسر حفصہ صاحبہ صدر شعبہ اسلامیات Director of Research, Director of Student Affairs, State Secretary, Zahida Shabnam Sahiba, बहुत ही मोहतरम teachers, मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं भूल ना जाऊँ, बेगम भी यहाँ तशरीफ हैं, तशरीफ फरमा हैं बेगम साहिबा, मुझे बहुत इख्तिसार के साथ एक बहुत बड़े मौजू पे कहना है। रसूलुल्लाह सल्लम ने खुद फरमाया अपने तई कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाईन, आप में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, वो साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसके अहले खाना से, उसके बच्चों से, उसके वालिदैन से, हत्ता के सारे जहान से ज्यादा उसके लिए अजीज ना हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक 7 कॉन्टिनेंट्स में से कम अज कम 6 कॉन्टिनेंट्स में, 5 कॉन्टिनेंट्स में जाने का, बड़े आजमों में जाने का इत्तेफाक हुआ। बखुदा जिस तरह आप रसूलुल्लाह सल्लम से प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह दुनिया का हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लम पे जान वारता है, और ये बिला सबब नहीं है। और ये मगरब को अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लम से मोहब्बत क्यों करते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों में फ्रांस के सदर ने हरजा सराई की रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में, तो हुकूमतों की अपनी मजबूरियां होती हैं। हाँ, तुर्की के साहिब इक्तदार लोगों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में रद्द अमल दिया, हमारे वजीर आजम ने भी एहतजाज किया। उन्हें तो ये चाहिए था कि उनके सफीर को भी यहां से बाहर भेज देते, वापस भेज देते। हुक्मरानों की बैनुल ममालिक ताल्लुकात में मुल्कों की मजबूरियां होती हैं, लेकिन आफरीन है उन मुसलमानों के कि सारे गल्फ के मुसलमानों ने अपनी अपनी दुकानों से, अपने शोरूम से फ्रांस की चीजें उठवा दी। ये रसूलुल्लाह सल्लम से मोहब्बत का एक अंदाज है।
प्यारे बच्चों, हकीकत यह है कि जब भी हम रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने के बारे में सोचते हैं, बिलउमूम दो ही तस्वीरें हमारे जहन में आती हैं। एक तो हम रसूलुल्लाह सल्लम और आपके साथियों को हम मसरूफ़ इबादत देखते हैं, रुकू व सुजूद में देखते हैं, या हम उनको मैदान जिहाद में तलवार उठाए हुए अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए देखते हैं। यकीनन वो ये दोनों काम भी करते थे। हाँ, आपके ज़माने के समाजी इदारे क्या थे, ज़िंदगी कैसे थी, और वो इर्तिका का अमल किस तरह नबुव्वत का वकूअ पज़ीर हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लम का मिशन, जो नबुव्वत का मिशन था, वो तकमील पज़ीर हुआ। मैं उसके बारे में, ऐसी बहुत सारी सीरत के बारे में तफसीलात जो बिलउमूम बच्चों को जुमों के खुतबों में, टेलीविजन रेडियो के खिताबात में आपको नहीं मिलती, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो तफसीलात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। और आज के मेरे इस मौजू के इख्तियार का एक सबब भी है कि मगरब ने दो ही चीज़ों को निशाना बना रखा है, एक कुरान करीम को, दूसरा सीरतुन्नबी को। बखुदा अगर इन दोनों में से किसी की भी हैसियत मखदूश हो जाए तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। और इल्म का जवाब इल्म से मुमकिन है, नारेबाजी से मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई आदमी जो मगरब के हाथ लग जाए, इब्ने वर्राक जैसा, मिसाल के तौर पर एक मदरसे का मौलवी इब्ने वर्राक, बहुत अच्छी अरबी जानता था, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता था, वो मुर्तद हो गया, उसने ईसाइयत कबूल कर ली, मुसलमान था, कराची के अरबी मदरसे में पढ़ता था, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखता, बहुत अच्छी अरबी जानता था। और ऐसा शख्स जो आलमे दीन हो और वो इस्लाम छोड़ जाए, मगरब का तो वो डार्लिंग है। जब वो, मुझे मालूम है कि उसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने भी उसको व्हाइट हाउस में बुलाया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में वो लेक्चर देता है जाके, और उसने एक किताब लिखी जो 2006-2007 में शाया हुई और फिर बार बार शाया हुई, द क्वेस्ट फॉर हिस्टोरिकल मोहम्मद, असल मोहम्मद अरबी की तलाश। कहने में ये चाहता हूँ कि मुस्तशरिकीन और इस्लाम के दुश्मनों ने सीरत को खास तौर पर इसलिए मौजू बनाया है कि मुसलमानों की रसूलुल्लाह सल्लम के साथ मोहब्बत को कम कर सकें। मैं सीरत के बहुत सारे ऐसे पहलू जो बिलउमूम हमारे बच्चों के मुताले में नहीं आते, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई मक्का से मदीना की जानिब, 70-80 के करीब लोग थे जो आपके साथ मक्का से मदीना गए, और उस वक्त मदीना भी एक कस्बा था। सारे तज़किरा निगार लिखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदीना की आबादी 10,000 थी, 10,000 की आबादी थी मदीना मुनव्वरा की। रसूलुल्लाह सल्लम मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, जो आपने अव्वलीन तीन काम किए, एक तो आपने मवाखात कायम की, जिसकी जानिब हफ्सा साहिबा ने भी इशारा किया कि जो मक्का मुकर्रमा से जो सहाबा आए और जो मदीने के मुसलमान थे, उनमें आपने मकामी लोगों में से एक एक आदमी का, एक एक मुहाजिर को उसका भाई करार दे दिया, और उन्होंने अपने मुहाजिर भाइयों का खूब ख्याल रखा, अपनी 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 आधी आधी जायदादें भी उनको दे दी, अपने हर काम में उनको शरीक कर लिया। दूसरा आपने बड़ा काम किया कि आपने वहां अपना मरकज मस्जिद नबवी तामीर करवाई। वो सिर्फ इबादतगाह नहीं थी, वो पहली इस्लामी रियासत का सेक्रेटेरिएट भी थी। और तीसरा जो काम आपने किया, एक सहाबी के जुम्मे लगाया कि हम मदीना में आ गए हैं, यहाँ की कुल आबादी 10,000 के करीब है, देखो इनमें मुसलमान कितने हैं।
मैं खास तौर पर असातिज़ा कराम और इस्लामियात के सीनियर स्टूडेंट से और असातिज़ात से अर्ज करूंगा कि मैं कोई बात ऐसी नहीं करूंगा, कहूंगा कि जिसका मेरे पास हवाला ना हो या जो बेसिक सोर्सेज से ना ली गई हो, जो उम्महातुल कुतुब से और बुनियादी मसादिर से ना ली गई हो। तो बुखारी और मुस्लिम में बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लम को बताया गया आके कि मदीना मुनव्वरा में 1560 या 1590, मैं भूल रहा हूँ, 1560 या 1590 मकानी मुसलमान हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने जो मकामी लोगों के साथ जो मुआहदा किया, ये भी अव्वलीन कामों में से, उसको मीसाक मदीना या अंग्रेजी में चार्टर ऑफ मदीना कहते हैं। ये जो चार्टर ऑफ मदीना था, 44 पार्टीज ने इस पे दस्तखत किए, यानी इसके सिग्नेटरीज दस्तखत कुनंदगान 44 थे, और इस मुआहदे की कोई 57 के करीब इसके आर्टिकल्स थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के। ये दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और इसमें गारंटी दी गई हर मजहब के लोगों को, हर तबके को, कि उनके बुनियादी हुकूक उनके महफूज होंगे। इस रियासत मदीना के इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया यहूदियों का फैसला उनके कानून के मुताबिक होगा, ईसाइयों का फैसला उनकी शरा के मुताबिक होगा, जो मुशरिक हैं उनके फैसले मकामी रस्म और रवाज के मुताबिक होंगे, जो साबी हैं उनके फैसले उनके कानून के मुताबिक होंगे, और मुसलमानों के फैसले शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक होंगे। तो पर्सनल लॉ की हर किसी को इजाज़त दी गई, ये एक पहली मिसाल थी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक देने की। और आपने जो पहला समाजी इदारा, जो आप कह लें सोशो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन आपने कायम किया, आपने बैतुल माल कायम किया, इन 44 दस्तखत कुनंदगान को, 44 पार्टियों को आपने कहा कि बैतुल माल में हर एक पार्टी 100-100 ऊंट देगा। अजीज बच्चों, आजकल तो आपको मालूम है कि हर जमाने में मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता रहा है। आज से 1500 साल पहले वो आदमी ज्यादा अमीर माना जाता था जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे, जिसके पास गलाबानी का दौर था, जिसके पास ज्यादा जानवर होते, ज्यादा ऊंट होते, ज्यादा घोड़े होते, ज्यादा भेड़ बकरियां होती, वो ज्यादा दौलतमंद समझा जाता था। उसके बाद जमाना आया कि जिसके पास लैंड की, जमीन की ज्यादा होल्डिंग होती, एक आदमी के पास 1,00,000 एकड़ है, वो अपने इलाके का जागीरदार है। और फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला, अब जिसके पास ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिसके पास ज्यादा कारखाने हैं, ज्यादा मिलें हैं, उनकी चूंकि यील्ड और उससे आमद ज्यादा है, वो ज्यादा मालदार समझा जाता है। तो ये वो जमाना था जब गल्लाबानी, जिसके पास ज्यादा जानवर हैं, वो ज्यादा अमीर समझा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लम ने 44 कबाइल को पाबंद किया कि बैतुल माल में हर कबीला, हर फरीक बैतुल माल में 100-100 ऊंट देगा। गोया बैतुल माल में 4400 ऊंट इकट्ठे हो गए। सहाबा किराम ने पूछा, हम इतनी बड़ी दौलत का क्या करेंगे या रसूलुल्लाह? रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, अगर इन 44 तबकों में से किसी पे भी कोई उफ्ताद आएगी, हम बैतुल माल से उसकी मदद करेंगे। मिसाल के तौर पर कहीं कोई एपिडेमिक हो जाती है, कहीं कोई तबका बीमार हो जाता है, कहीं किसी के और कोई ऐसा मसला दरपेश होता है, वाइस चांसलर साहब तशरीफ ले आई हैं, मैं जारी रखता हूं।
रसूलुल्लाह सल्लम ने ये पहला बैतुल माल कायम किया और सहाबा को बताया कि अगर कोई नादार होगा, अगर कोई ऐसा शख्स होगा जिसके घर कमाने वाला कोई नहीं है, हम इस पब्लिक मनी से हम उसकी मदद करेंगे। गोया एक रिफाही रियासत की रसूलुल्लाह सल्लम ने इस तरह नींव डाली, इस तरह बुनियाद रखी। और आप हैरान होंगे कि ये तो इर्तकाई अमल से नबूवत का मिशन पूरा होना था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक बूढ़ा यहूदी लाठी टेकते हुए जा रहा है और जो कोई पास से गुजरता है उससे अल्लाह के नाम पर मांगता है। हजरत उमर ने फरमाया, भाई तुम क्यों मांगते हो, यहां तो हम किसी को मांगने की इस तरह इजाजत नहीं देते। उसने कहा कि मैं जिम्मी हूं, मैंने अपना खराज भी तो साल का देना है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं कमा नहीं सकता, तो मैं मांगूंगा लोगों से। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस यहूदी का वजीफा मुकर्रर कर दिया और फरमा दिया कि वो सारे लोग जो अपने घर के लिए नानी सुबीना नहीं कमा सकते, वो स्टेट की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, खा वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो। तो आप हैरान होंगे कि दौरे जदीद में आज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यूरोप में ये उमर लाज के नाम से ये सारे कानून लागू हैं। नॉर्वे में, डेनमार्क में, स्वीडन में उनको उमर लाज कहते हैं। ये दरअसल सैयदना उमर का कमाल नहीं था, ये उस तरबियत का कमाल था जो रसूलुल्लाह सल्लम ने उन लोगों को दी थी। तो ये एक पहला इंस्टीट्यूशन था जो रसूलुल्लाह सल्लम ने कायम किया। मैंने आपसे अर्ज किया था कि ऐसी बहुत सारी तफसीलात जो बिलमूम आपको किताबों में नहीं मिलती सीरत के बारे में, मैं वो अर्ज करूंगा। दूसरा, आपने एक बहुत अहम सोशो कल्चरल इंस्टीट्यूशन कायम किया अराफा और निकाबा का। जब 10 आदमी मुसलमान होते तो उनमें से जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता रसूलुल्लाह सल्लम उसको उन 10 का इंचार्ज बना देते, उसको आरीफ कहते, आरीफ। और जब 10 आरीफ इकट्ठे हो जाते तो उन 10 आरीफों पे आप एक नकीब मुकर्रर कर देते, उन 10 आरीफों पे आप एक नकीब मुकर्रर कर देते। तो गोया एराफा और निकाबा सोशल पोजीशन थी। आप हैरान होंगे कि बुखारी शरीफ में कई अहादीस हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस में अर्ज करता हूँ, उसकी मैं सनद अर्ज करता हूँ। عن मुसा बिन उमैर अहद النقبہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, बुखारी में लिखा है और ये मुस्लिम में और हदीस की सारी किताबों में, कि मुसा बिन उमैर जो नकीबों में से एक थे उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लम से मैंने सुना आपने ये फरमाया। अच्छा, अब हम इन सारी मालूमात को जिंदगी के साथ रिलेट नहीं करते, हम उसका लफ्जी तर्जुमा करते हैं। किसी दीनी मदरसे में चले जाएं कि मुसा बिन उमैर जो दीन की बहुत हिफाजत करने वाले थे, यानी नकीब का लफ्जी तर्जुमा करते थे। और हमारे कल्चर में एक किताब है वफाउल वफा, अलामा समहूदी की, 5वीं सदी हिजरी के हैं। अलामा समहूदी कहते हैं कि इससे पहले तो मुझे मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लम के जमाने में भी नकीबों को बाकायदा सैलरी दी जाती थी या नहीं, लेकिन सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में ये एक सिविल पोजीशन थी, सारे नकीबों को तनख्वाहें दी जाती थी, ये एक सिविल पोजीशन थी। ये जिस तरह हफ्सा साहबा, मैंने अर्ज किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में सोचते हैं हम सिर्फ उनको हमारे चश्मे तसव्वुर में या कुरून उला के मुसलमान इबादत करते हुए नजर आते हैं या जिहाद करते हुए नजर आते हैं। ये जिंदगी वो कैसे गुजारते थे, उनका निजाम हयात क्या था, उनके उस दौर में मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, तालीम का निजाम क्या था,
इसके बारे में कभी हमने तवज्जो नहीं की। किताबों में है हमारे तस्करों में के आरिफों की और नकीबों की तीन तरह की ड्यूटियां थी। आरिफों की ड्यूटी ये थी कि आपने लोगों को जो नई वही उतरी है रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में उससे लोगों को रोशनास कराना है और मुल्क की कवानीन की तालीम देनी है लोगों को। नंबर दो, आपने लोगों को हायर सोशल वैल्यूज से आशना करना है कि अखलाक आला क्या है, एक केयरिंग सोसाइटी किस तरह बन सकती है। और तीसरी चीज जो आपने बतानी है लोगों को, नकीबों के ये जुम्मे था कि आपने लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन देनी है। फॉर्मल एजुकेशन तो यही हो गई, इनफॉर्मल एजुकेशन आप कौन सा पेशा इख्तियार करें कि आप घर के लिए आराम के साथ हलाल जराए के साथ आप अपने अहल खाने के लिए रोटी कमा के ला सकें। तो ये नकीब, और ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह उसको नकीब मुकर्रर करते थे जो इन सारी चीज़ों को खूब जानता हो। एक और इंस्टीट्यूशन रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने ज़माने में और उससे पहले उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये वीसी साहबा हमेशा हर मम्लिकत और हर हुकूमत की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी तो होती है, हर मुल्क अपनी फौज रखता है। रसूलुल्लाह सल्लम ने एक सीगा और एक शोबा कायम किया रिजर्व फौज का। मिसाल के तौर पर यह इसलिए जरूरी था मैं अर्ज करता हूं, यह हमारे बच्चों को पता है कि रसूलुल्लाह सल्लम की 11 साल मदनी जिंदगी में कोई 81 के करीब जंगें हुई दुश्मनों के साथ, 81 आर्म्ड स्कफल्स, यानी जो मुठभेड़ दुश्मनों के साथ हुई रसूलुल्लाह सल्लम के 11 साल में दुश्मनों के साथ 81 आर्म्ड स्कफल्स यानी जंगें हुई, उनमें से रसूलुल्लाह सल्लम ने 57 में हिस्सा लिया। जिस जंग में रसूलुल्लाह सल्लम खुद हिस्सा लें उसको बच्चों उसको गजवा कहते हैं, जिसमें आप शामिल ना हुए हों उसको सरिया कहते हैं। तो 81 सराया में या 57 गजवात में रसूलुल्लाह सल्लम फौज लेके निकल गए मदीना से मैदान जहाद में। खुदा ने खास्ता चारों जानब दुश्मन बैठे हैं, अगर कोई दुश्मन बाहर से आके मदीने पे कब्जा कर ले, मुसलमानों के घर वहां हैं, उनके ख्वातीन वहां हैं, उनके बच्चे वहां हैं, उनकी जायदाद वहां है, उनकी हिफाजत कौन करेगा। तो डॉक्टर हमीदुल्ला की रिसर्च है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने एक रिजर्व फौज भी बनाई हुई थी, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि जब हम फौज लेकर बाहर निकल जाएं तो आपने मदीना मुनव्वरा की हिफाजत करनी है, और उनको बाकायदा मुआवजा दिया जाता था। और आप हैरान होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने दिफा को किस तरह मजबूत किया। ये कुरान ने तो सारे मुसलमानों को हुक्म दिया, कुरान ने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ये मैं बच्चों से अर्ज कर दूं, ये हुक्म है कुरान का, जब भी आप कुरान पढ़ें तो पहले أعوذ بالله जरूर पढ़ें, और أعوذ بالله के बगैर कुरान की आयत पढ़ना कुरान के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। ये दरअसल अब तो माहौल बदल गया, वरना ये सारी बातें हमारी माएँ बहनें दादी दादियाँ नानियाँ ये घरों में बताया करती थी। माज़ल्ला मैं शिकायत नहीं करता कि अब वो सारा दिन ड्रामा देखती हैं, उनके और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन हकीकत ये है कि घरों में जिस तरह बच्चे बच्चियों की पहले एक तरबियत होती थी उसमें यकीनन कमी आई है। तो जब भी आपने कुरान पढ़ना हो उससे पहले औज़ बिल्लाह पढ़ना खुदा का हुक्म है, उसके बगैर आप कुरान ना पढ़ें। और हमने कई बार देखा कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, एक वजीर औज़ बिल्लाह के बगैर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह गलत पढ़ के मीटिंग शुरू हो जाती है, ये मनाज़िर भी। तो ये खास तौर पर मेरी बच्चियां ये ख्याल रखेंगी, जब भी कुरान, हाँ एक मजलिस में एक बार औज़ बिल्लाह पढ़ना भी काफ़ी है,
तो कुरान ने हमें हुक्म दिया वाइदु मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहबून बिहि अदुवल्लाहि व अदुवकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जंग की ऐसी तैयारी करें कि आपके दुश्मन पे हमेशा लर्जा तारी रहे। और बखुदा मैं ये शरे सदर के साथ कहता हूं, भाई पाकिस्तान के पास तो टेक्नोलॉजी वो है ही नहीं जो दूसरे मुल्कों के पास है, लेकिन ये इस कौम का पोटेंशियल है कि इसने एटम बम बना लिया। खुदा की कसम, अगर आज आप एटमी ताकत ना होते तो पता नहीं हिंदुस्तान हमें कितनी मर्तबा इम्तहान में डाल चुका होता। और जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। ये 990 ईस्वी है कि शहाबुद्दीन गौरी आया और उसके मुकाबले में पृथ्वी आया। शहाबुद्दीन गौरी त्राइन की पहली जंग में उसको शिकस्त हो गई। अगले साल शहाबुद्दीन गौरी फिर 30,000 की फौज लाया और पृथ्वी 1,20,000 की फौज लाया। और ये जो त्राइन की दूसरी जंग 991 ईस्वी में हुई, इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जद्दे अमजद बोहल खान भी कमांडरों में से एक कमांडर थे। लिहाजा अब्दुल कदीर ने जब भी मिसाइल बनाया उसने उसका नाम गौरी मिसाइल रखा। और उन शिकस्त खुर्दा लोगों ने जब भी मिसाइल बनाए उन्होंने पृथ्वी मिसाइल बनाई। तो हकीकत यह है कि अब्दुल कदीर खान को मैंने सामने उनके मैंने कहा था कि खुदा की कसम आपने तराइन की तीसरी जंग जीती है, बगैर लड़े आपने तीसरी जंग जीती है। बच्चों जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। और हाँ, हमारा मौजू है रसूल अल्लाह सल्लम ने अपने दिफा को किस तरह मजबूत किया। रसूल अल्लाह सल्लम ने एक इतनी बड़ी मिंजनीक बनाई कि जब भी मुसलमानों का लश्कर कहीं जाता, मसलन खैबर गया, ताइफ गया, तो दुश्मनों पे लर्जा तारी हो जाता। यानी आपने आर्मामेंट में आप उस वक्त की किसी रियासत से आप पीछे नहीं रहे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आप तस्करों में पढ़ते हैं कि जंगे बदर हुई, मुसलमानों की फौज में 313 की फौज में सिर्फ 2 घोड़े थे। आपने सहाबा को तरबियत दी कि आप घोड़ों की ब्रीडिंग करवाएं अच्छी नस्ल की। और 9 हिजरी में ठीक 7 साल बाद जब गजवा तबूक के लिए रसूलुल्लाह सल्लम रुखसत हो रहे हैं तो 30,000 फौज में मुसलमानों के पास 10,000 घोड़े, ये तारीख की सारी उम्महातुल कुतुब में लिखा हुआ है। और वो ब्रीडिंग मुसलमानों की हुई है, आला तरीन नस्ल की, तेज दौड़ने वाले घोड़े, अच्छी नस्ल के घोड़े। ये रसूलुल्लाह सल्लम ने एक और बात मैं अर्ज कर दूं इस जमन में, रसूलुल्लाह सल्लम ने एक नया हथियार आपने मुतारिफ करवाया, उसको दबाबा कहते थे, दबाबा। ये वफाउल वफा में सबूती ने खास तौर पर इसका तस्करा किया है। ये दबाबा कोई ऐसी मशीन थी, जाहिर है उस वक्त बारूद नहीं था, ये एक ऐसी मशीन थी कि जिसमें बैठे हुए लोगों को तीर नहीं लगता था। मैं समझता हूं कि ये कोई बख्तरबंद किस्म की कोई चीज होगी। वो दुश्मन अगर किसी किले में किला बंद हो जाए तो वो मशीन फसील के साथ जा लगती थी और फसील को तोड़ देती थी। इसको दबाबा कहते हैं। तो इट वॉज इन्वेंटेड रसूलुल्लाह सल्लम के हुक्म पे दबाबा बनाई गई और उसके बाद दौरे जदीद में दबाबा टैंक को कहते हैं। अजीज़ा निगरामी, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लम जब मदीना में आए तो 10,000 आबादी थी, वहाँ औस थे, खजरज थे, कैनका थे, इन यहूदी कबा ईसाई थे, साबी थे, मुशरिक थे। इन यहूदी कबाइल में सबसे ज्यादा अमीर बनू नजीर थे, बनू नजीर का तिजारत पे कब्जा था। और मदीना मुनव्वरा में तिजारत 2 चीजों की सबसे ज्यादा होती थी, या सोने की तिजारत होती थी या फिर हथियारों की तिजारत होती थी।
और इन दोनों आइटम्स पे मंडी पे मार्केट पे यहूदियों का कब्जा था। और रसूलुल्लाह सल्लम ने हुक्म दिया कि मदीना के ऐन वस्त में नई मार्केट बनाई जाए। आपने शहर मदीना के दरमियान में आपने नई मार्केट बनवाई और मुसलमानों को आपने महबीस दी कि तुम भी तिजारत में शामिल हो जाओ। और आप मुसलमान तुजार को कहते कि बहुत मुनासिब सा मुनाफा लेना, लोगों के साथ दयानतदारी के साथ मुआमला करना और माल को रोक के अपने पास नहीं रखना, यानी इस तरह न करना कि जो चीज आज 50 रुपए किलो है तुम्हारा माल रोकने से कल वो 110 रुपए किलो हो जाए। आपने माल को रोकना नहीं है। यहूदी क्या करते थे? यहूदी ये करते थे कि बाहर से लोग आते तो उनके साथ साथ बात करते कि हम तुम्हारा माल इस तरह बिकवा देंगे। जब लोगों को पता चला कि यहूदी बेईमानी करते हैं, बाहर से आने वाले ताजरों के साथ साजबाज करते हैं, नतीजा क्या हुआ कि 2-3 साल में वो सारी मार्केट मुसलमानों के हाथ में आ गई। ये रसूलुल्लाह सल्लम की और सबसे बेहतर तरीकेकार जिंदगी गुजारने का यही दयानतदारी है। जहां दयानतदारी होगी वहां लोगों का रुख आपकी तरफ हो जाएगा। और यही तालीम रसूलुल्लाह सल्लम ने लोगों को दी। मैं डॉक्टर हमीदुल्ला को नकल कर रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लम ने देखा कि लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं, बड़े बड़े कबाइल, यानी ऐसे कबाइल जिनके 2-2 हजार अफराद हैं, वो आके रसूलुल्लाह सल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप हमें मदीना में बसने की इजाजत दे दें। और रसूलुल्लाह सल्लम, डॉक्टर हमीदुल्ला की तहकीक है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम उन कबाइल को कहते कि फलां जगह पे चले जाओ, वहां जाके नई बस्ती बना लो, मदीना को ओवर क्राउडेड मत करो। और ये रसूलुल्लाह सल्लम की तालीमात थी कि शहरों को छोटा रखो। जब शहरों को छोटा रखेंगे वहां की हाइजीनिक कंडीशंस भी ठीक रहेंगी, लोगों के अखलाक भी ठीक रहेंगे, लोग एक दूसरे की परवाह भी करेंगे। अगर शहर 2 करोड़ का हो जाए तो फिर कोई किसी का वाकिफ नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने मदीने को, डॉक्टर हमीदुल्ला कहते हैं कि आपने बढ़ने से रोक दिया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं आपने किया, रसूलुल्लाह सल्लम को एक इत्तला मिली कि फलां शख्स ने फलां मोहल्ले में लोहा पिघलाने की का कारखाना लगा लिया है, फाउंड्री बना ली है। जाहिर है हथियार भी, तलवारें, नेजे, भाले, ढाले, सारी बर्तन लोहे के बनते थे। तो जो जिस किसी ने फाउंड्री लगाई शहर के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लम ने सैयदना उमर को भेजा, उसे कहा कि उसे कहो कि शहर से बाहर इतने फासले पे फलां जगह जाके सारे लोग कारखाने लगाएं, शहर के अंदर ना लगाएं ताकि शहर की इकोलॉजी बर्बाद ना हो, लोगों की सेहत खराब ना हो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लम ने खास तौर पर, यानी टाउन प्लानिंग का और इंडस्ट्रियल स्टेट का ये जो तसव्वुर है, आपका मौजू है कि ये सीरत का मिशन इर्तिका पज़ीर कैसे हुआ, हम इसको जिंदगी के हवाले से सीरत को देखें तो आपको बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। और मैडम मेरे अभी 10 मिनट रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम ने जब आप पे पहली वही आई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ पढ़ो, उस वक्त से तालीम एक तहरीक के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लम ने शुरू की। मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में, चूंकि माहौल साजगार नहीं था, लेकिन फिर भी वहां रसूलुल्लाह सल्लम ने जो तालीम देने वाले, यानी इदारे कह लें या मरकज कह लें, एक तो सईद बिन जैद, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के बहनोई, तो एक उनका घर था, हजरत खदीजा का घर था,
और दारे अरकम था। एक ये दारे अरकम, हजरत अरकम एक नौजवान मखजूमी कबीले से ताल्लुक रखते थे, बनी मखजूम और बनी कुरैश की आपस में लड़ाई रहती थी। रसूल सल्लम ने यह हिकमत इख्तियार की कि आपने एक मखजूमी के घर को अपना सबसे बड़ा मरकज बनाया, क्योंकि कुरैश उनसे जंग करने की हिम्मत नहीं रखते थे, लिहाजा आपको मक्का में लोगों को दीन बताने में आपको दिक्कत महसूस ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और काम किया, एक हजरत खब्बाब बिन अरत, इनको मैं अगर आज की इस्तिलाह में कहूँ, वो एक मोबाइल टीचर थे। रसूलुल्लाह सल्लम को पता चलता कि वहाँ चार पांच लोग हैं जो दीन सीखना चाहते हैं, आप हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु से कहते कि जाओ वहाँ लोगों को दीन बताओ। तो हाजरीन गिरामी, जब आप मक्का में आ गए तो तज़किरा निगार लिखते हैं कम अज कम 18 मरकज थे मदीना मुनव्वरा में, जो रसूल सल्लम ने लोगों की तरबियत के लिए, जो उनकी तालीम के लिए लोग आप सल्लम ने कायम फरमाए थे। हाँ, कुछ खवातीन ने रसूल सल्लम से शिकायत की, या रसूल वहाँ बहुत सारे मर्द बैठे होते हैं, हम क्या करें? तो रसूल सल्लम ने उस खातून को कहा कि मौइदुको न रस्मु फुलान, फुलां खातून का घर आपकी मीटिंग प्लेस है, मैं वहां आ जाया करूंगा, मैं आपको दीन सिखाऊंगा, मैं आपको इल्म सिखाऊंगा। हकीकत यह है कि इल्म ही बुनियाद है, जिस तरह कुरान ने कहा कि हल यस्तविल लजीन यालमून वल लजीन ला यालमून, जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, क्या वो बराबर हैं? हल यस्तविल आमा वल बसीर, एक अंधा आदमी और एक वो शख्स जो देख सकता है, वो किस तरह बराबर हो सकते हैं? और इंसाफ का निजाम जो आपने कायम किया, उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। ये आपका सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सबसे अहम, और कुरान ने मुसलमानों को कहा था ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु اعدلوا هو اقرب للتقوى, अगर आप मुनसिफ की कुर्सी पर बैठे हैं तो यकीन करें कि अगर कोई दुश्मन भी सामने आ जाए, और एक और जगह है कुरान पे, अगर आपको इंसाफ की कुर्सी पर बिठा दिया गया, आपके अपने अहले खाना को या आपकी अपनी जात को नुकसान पहुंच रहा है, आपने वही करना है जो इंसाफ। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लम एक जज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लम फरमाया करते थे कि मन जुअल काज़ियन फज़ुब हबदून सिक्कीन, जिसको जज बना दिया गया उसको तो बगैर छुरी के ज़िबा कर दिया गया। बखुदा मैंने कई सेशन जज और कई सीनियर जज मैंने ऐसे देखे हैं, अगले दिन उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट, किसी को सजाए मौत देनी है, तो एक जज के साथ मुझे एक रात गुजारने का मौका मिला। अगले दिन अदालत में उसने किसी को सजाए मौत देनी है, बखुदा वो सारी रात माहिए बेआब की तरह जज थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के फाइल देखता, कहीं कल मुझसे गलत फैसला ना हो जाए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते थे, आप जहाद से वापस आए मदीना मुनव्वरा, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने सारे सहाबा से कहा कि जिअतुम मिनल जिहाद अल असगर इलल जिहाद अल अकबर, आप छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं। सहाबा घबरा गए कि पता नहीं मदीना में कोई दुश्मनों की फौज आ गई है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह को फौज आ गई है मदीना में? आपने कहा नहीं, जब आप हालत अमन में होंगे तो आपकी अपने नफ्स के साथ लड़ाई होगी, पता नहीं किस तरह आप अपने जज्बात पे काबू पाएंगे, अपने आप को गुनाह करने से रोकेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई अपने नफ्स के साथ लड़ाई है। और ये दो ही तबके हैं जिनकी खुद रसूलुल्लाह सल्लम ने तरबियत की, एक महाजरीन है, दूसरे अंसार। यही सबब है के काजी शुरह बुलाता है तो सईदना उमर जाके अदालत के सामने खड़े हो जाते हैं,
एक बार किसी जज ने सैयदना उमर को कि खलीफा वक्त आ गया और इतना जानदार खलीफा वक्त है, तो जज ने उनको कुर्सी पेश की। हजरत उमर ने उस जज को माजूर कर दिया कि तुम जज होने के अहल नहीं हो, भाई मेरे खिलाफ दरखास्त थी, मैं मुल्जिम के तौर पर पेश हुआ था। लेकिन इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे कि एक जज को दो तरह का अजर दिया जाएगा, एक तो मजलूम की दादरसी का अजर दिया जाएगा, दूसरा अजर उसको दिया जाएगा अल्लाह की रजा के लिए फैसला करने का। और फर्ज किया अगर जज से फैसला गलत भी हो जाए, भाई स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर इज ऑलवेज देयर, फिर भी उसका एक अजर कहीं मिल गया। शर्त यह है कि जज दयानत के साथ फैसला करे, हुक्मरानों को खुश करने के लिए ना करे, किसी और लालच में आके रिश्वत लेके जज फैसला ना करे। और आप हैरान होंगे कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उनका भी एहतराम खुल्फ़ाए राशिदीन की तरह है, उनके तकवा और उनके वरा के सबब बहुत अल्लाह वाले थे। तो मैं अर्ज करता हूँ, ये जो सरकारी कारिंदे होते हैं हर जमाने में एक ही तरह के होते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास उनका वजीर माल आया। वजीर माल आके कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, आज के बाद आप हुक्म दे दें कि आइंदा किसी को इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हक्के बक्के परेशान वजीर माल से पूछते हैं, मैं ऐसा बेहुदा हुक्म क्यों दूं कि आइंदा किसी को इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं। तो वजीर माल फरमाने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं, खराज आना कम हो गया है, सरकारी खजाना कम हो गया, सरकारी खजाना खाली हो रहा है। ये जब भी ऑडिट वाले आते हैं उनका यही तरीका होता है, चाहे वो उस जमाने के ऑडिट वाले हों या इस जमाने के। और आप हैरान होंगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में मिस्र फतह हुआ, तो मिस्र से खराज आता था 1.20 करोड़ दिरहम सालाना मिस्र से, वो 20-25 साल बाद वो 50 करोड़ रहे, वो 50 लाख रह गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया तो मिस्र और खरासान का गवर्नर एक ही था, वो था जराह बिन अब्दुल्ला अल हकमी, खुरासान का और मिस्र का गवर्नर था। उसने क्या किया, जितने लोग मुसलमान होते कहते नहीं तुम खराज से बचने के लिए मुसलमान हुए हो, तुम तो खराज दोगे, भाई मुसलमान पे तो खराज नहीं लगता। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस गवर्नर को बर्खास्त कर दिया कि तुम मुसलमानों की हक पोशी करते हो। अजीज बच्चो, अगर आप में से कोई कानून पढ़ते हैं तो एक बात याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लम ने बतौर जज आपने खुद इमाम कुर्तुबी ने और मुल्ला बिहारी ने आपके फैसले इकट्ठे किए हैं, आपने बतौर जज जो आपने फैसले दिए दीवानी और फौजदारी मुकदमात में, ये 500 फैसले अकजियतुर रसूल के नाम से हमारे पास मौजूद है। अकजियतुर रसूल यानी कोर्ट डिसीजंस गिवन बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 500 फैसले हमारे पास मौजूद हैं। अगर रियासत मदीना बनानी है तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि इन फैसलों को पीएलडी के अंदाज में, इन फैसलों को लीगल डाइजेस्ट के अंदाज में फिर लिख लिया जाए। भाई हम जो कलकत्ता की कोर्ट का फैसला कोर्ट करते हैं उसके प्रेसिडेंट के तौर पर, कराची का फैसला, वहां का फैसला, तो रसूलुल्लाह सल्लम के 500 अदालती फैसले। मदीना यूनिवर्सिटी में कुछ मिस्री और शामी असातिज़ा ने बड़ा काम किया,
उन्होंने खुल्फा राशिदीन के जमाने के भी सारे कोर्ट डिसीजन। मैं सिर्फ दो मिनट में बात को खत्म करता हूं कि बहुत शोर है कि मुसलमानों ने, हम मुसलमान दावा करते हैं कि रसूल सल्लम ने लोगों को बुनियादी हुकूक आपने वागुजार किए। आप सल्लम ने कुरान का हुक्म था ला इकराह फिद्दीन, कभी किसी को तलवार के जोर पर मुसलमान होने के लिए नहीं कहा गया, कभी किसी को नहीं कहा गया। और राइट ऑफ मूवमेंट, राइट टू चूज अ प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, ये आप सल्लम ने लोगों को दिया। सिर्फ यही नहीं, आपने लोगों को राइट टू लिव दिया, जिंदा रहने का हक दिया। आप सल्लम फरमाया करते थे कि अल बैना तो अल मुद्दई, ये प्रोसिक्यूशन के जुम्मे है कि वो सबूत लाए तब किसी को सजा दी जा सकती है। और ये 100% गैर इस्लामी है, सुबह की बुनियाद में आप बंदा पकड़ लें, 3 साल के बाद अदालत कहे कि डियर सर आपके कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। भाई जो 3 साल तक की बीवी में रहा अपने बच्चों से दूर, अहले खाने से दूर, उस अजाब में रहा, उसका कौन मुदावा करेगा। और रसूल सल्लम ने लोगों को जीने का हक दिया। ये दो कबीले थे अरबों में, बनु किंदा और बनु तमीम। इनके यहाँ इज्जत का अजीब तसव्वुर था। इज्जत का तसव्वुर ये था कि हम इतनी ऊंची कलगी वाले कबीले हैं, हमारी बच्ची ब्याही हुई किसी के घर जाएगी, हमारी बच्ची नहीं जाएगी। वो अपनी बच्ची को पैदा होते ही वो उसको जिंदा दफन कर देते। एक बहुत बड़े सहाबी हैं हजरत दहिया कलबी, वो रसूलुल्लाह सल्लम के सामने अपनी वामांदगी और परेशानी का तस्करा करते हैं। वो इन्हीं कबाइल में से थे। कहते या रसूलुल्लाह, अपनी जिंदगी में मैंने 70 बच्चियों को, अपने कबीले की 70 बच्चियों को, जो ही बच्ची पैदा होती उसका वालिद मुझे बच्ची ला के देता, मैं जाके बच्ची को जिंदा दफन कर देता। एक और सहाबी कैस बिन आसिम रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लम के सामने आ बैठे, बहुत परेशान, अपनी परेशानी का इजहार करते हैं कि या रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह मुझे बख्श देगा, मुझे अपना वो काम नहीं भूलता, अल्लाह ने मुझे 7 बेटियां दी, मैंने 7 जिंदा दरगोर कर दी, फिर मुझे सफर दरपेश हुआ, मैं तजारती काफिले के साथ घर से दूर चला गया और मैं 1.5 साल के बाद वापस आया, और उस वक्त मेरी बेगम उम्मीद से थी। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि एक नन्हा सा छोटा सा फरिश्ता मेरे घर में फुदकता फिरता है। अल्लाह ने फिर मुझे 8वीं बेटी दे दी, और फिर वो 8वीं बेटी इतनी प्यारी थी और वो मुझे इतनी अजीज थी कि जब वो मेरी सवारी की आहट पाती तो भागती हुई आती, मेरे दामन से चिमट जाती। जब मैं घर में आराम के लिए लेटता तो वो मेरे सीने पे बैठ जाती, कभी इधर प्यार करती, कभी इधर प्यार करती। वो सारा दिन इस इंतजार में रहती कि अब्बा घर में नहीं है, अब आएंगे। वो सारा दिन अब्बा के इंतजार में रहती। तो कैस बिन आसिम कहते हैं या रसूलुल्लाह, फिर मुझे कुर्ब व जवार का इतना प्रेशर हुआ, लोगों ने कहा कि यह कैस बिन आसिम बेगैरत हो गया है, इसकी बच्ची अभी तक जिंदा है। इतना प्रेशर बढ़ा कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बच्ची को दफन कर दूंगा। एक दिन मैंने बच्ची को कहा, मैं आज आपको जंगल की सैर कराऊंगा। वो बच्ची को जंगल के सैर के बहाने लेके गया कैस बिन आसिम। बच्ची सादा फरहा नाचती हुई कि आज अब्बा मुझको सैर करवाने ले जा रहे हैं, उसके साथ घोड़े पे बैठी, जंगल में ले जाके उसने गढ़ा खोदना शुरू किया। गढ़ा खोदते हुए कैस बिन आसिम कहते हैं, जब मेरे कपड़ों पे मिट्टी गिर जाती तो वो बच्ची आके उसको साफ करती, अब्बा आपके कपड़े आलूदा हो रहे हैं। ये भी सी साहिबा बच्चियां देखने इसी तरह होती हैं। कहते कि मैं गढ़ा खोदता रहा,
बच्ची फुदकती रही इर्द गिर्द के अब मेरी तफरीह का सामान कर रही हूँ। और फिर मैंने बच्ची को गढ़े में खड़ा कर दिया, मैं मिट्टी डालता रहा। बच्ची तब भी यही समझती थी, कह कह लगाती रही कि अब्बा मेरे साथ खेल रहे। जब उसके मिट्टी यहां तक पहुंची तो उसके कहते हैं मुहिब खामोशी में बदल गए। और फिर बच्ची की दिलदोज चीखें आई, कहते हैं कि मैं मिट्टी डालता गया और फिर उसकी चीखें मिट्टी में दब गई। रसूलल्लाह सल्लम ने यह सारा सुना और रोते रोते आपका दामन आपके आंसुओं से तर हो गया। आपने कहा कि एक मरतबा फिर बताओ के बच्ची के आखिरी जुमले क्या थे। तो उसने कहा कि वाह अबता, हाय अबू, हाय अबू, पुकारते रही वो। तो रसूलल्लाह सल्लम ने इस रस्म को अलल इतलाक खत्म किया और लोगों से वादा लिया कि आइंदा तुम में से कोई अपनी किसी बच्ची को इस जाहिलियत की रस्म के पेश नजर दफन नहीं करेगा। अजीज बच्चों, बहुत तवज्जो के साथ सीरत को जिंदगी के हवाले से पढ़ें। और वैसे साहबा और हफ्सा साहबा में मुबारक देता हूँ, इतने अच्छे आदमियों से इससे पहले मैंने नहीं देखे। शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब और तस्कारे सीरत से हमारे ईमान की ताजगी का समा कर रहे थे। फर्द की हर जबिल्लत को तहरीबे रुश्द आग से मिल गई, फर्द की हर जबिल्लत को तहरीबे रुश्द आग से मिल गई। आदमियत है नाजा के एक मोतबर आदमी आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद में जिस शख्सियत की खसूसी दिलचस्पी, शफ़क़त और तवज्जो हर मरहला पर हासिल रही, वो हैं इस जामिया की मुतहर्रक क़यादत वाइस चांसलर साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस यूनिवर्सिटी में मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा का बहसीत वाइस चांसलर आना बेहतरीन और बाएसे इत्मीनान है। आप इस सेशन की मेहमान खसूसी भी हैं और दरअसल इस सेमिनार की असल मेज़बान भी आप ही हैं। हम आपको यहाँ खुशामदीद कहती हैं। होता है जिनमें नामे रसूले खुदा बुलंद, होता है जिनमें नामे रसूले खुदा बुलंद, इन महफलों का मुझको नुमाइंदा कर दिया, सरदारे जहां का बनाकर मुझे गुलाम, मेरा भी नाम ताबे अबद जिंदा कर दिया। इस सेमिनार का असल मकसद भी यही है जो डॉक्टर साहब इरशाद फरमा रहे थे कि दीन इस्लाम और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इक्तदार इल्मी इदारों और नज्म व नस्क के उसूलों से अलग कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या बनता है? दीन इस्लाम को जिंदा अकीदे और सीरत रसूल को इंसानियत के दायमी पैगाम की हैसियत से तस्लीम ना करना। और आज एहानत रसूल के मुजरमीन को जवाब नारों और बड़कों से नहीं दिया जा सकता, जुलूसों और जलसों से नहीं दिया जा सकता। इसका एक ही तरीका है कि अपने सारे निसाबात की बुनियाद इल्मे वही पे रख दी जाए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरी लाई हुई शरीयत के वो ताबे न कर ले अपने आप। इसके साथ ही मैं आज की मेहमान खसूसी मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहिबा वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज खातून यूनिवर्सिटी को दावत खिताब देती हूँ और इसके साथ मोहतरमा मिस शाइस्ता वहीं तशरीफ लाई हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहती हूँ। मोहतरम प्रोफेसर अकरम चौधरी साहब, चेयरपर्सन
Islamic department director research, director student affairs, Moses Mehman, my Saksa students. Assalamu alaikum. यकीनन बहुत एहसास की बात है कि इतनी बाबरकत तकरीब का इनका करना और उसका मेज़बान होना, इसके लिए मैं इस्लामिया डिपार्टमेंट और सारे ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ और ज़ाती तौर पर मेरे लिए यकीनन एक बहुत एजाज की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इस किस्म की बाबरकत तकरीबात का इनका किया जाए और इससे ज़्यादा और क्या बाबरकत बात हो सकती है कि हम अपने प्यारे नबी ज़िंदगी और उनकी तालीमात के बारे में इल्म हासिल करने के लिए इकट्ठे हैं। और प्रोफेसर अकरम साहब, उनका जितना वसी तजर्बा है और इतनी खूबसूरत अंदाज थी, उन्होंने इतनी तफसील के साथ सीरत नबी पर रोशनी डाली, आई एम श्योर आप सब के लिए, क्योंकि मेरे लिए यकीनन इसमें बहुत सारी रहनुमाई की बातें थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इससे बहुत कुछ हासिल किया होगा। उनकी गुफ्तगू के बाद कुछ कहने के लिए गुंजाइश तो नहीं रहती, लेकिन मैं जब अपने सादा से अल्फाज में मुख्तसरन कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है कि कुरान जहाँ पर हमारे लिए हिदायत की किताब है, वहाँ पर यकीनन हम सब लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारे नबी की ज़िंदगी उसकी एक अमली शक्ल है। लेकिन हम अल्फाज में तो इसका अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन शायद दिल से हकीकी मानों में प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इग्नोर कर देते हैं। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारे नबी ने सिर्फ हमें इबादात के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ये नहीं करके बताया कि रोज़ा कैसे रखना है और नमाज कैसे पढ़नी है, उन्होंने हमें ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, जंग कैसे करनी है, जंग के जैसा मामला जहाँ पे बड़े बड़े मगरबी फिलोसोफर भी कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में कोई कानून नहीं होता, वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि कैसे जंग के मामला के अंदर भी कुछ जाब्तों का, कुछ अखलाकियात का ख्याल रखना है। उन्होंने हमें बताया कि शहर के मामला कैसे चलानी है, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे, कैसे सोशल वैल्यूज को डेवलप करना है, इंसाफ कैसे करना है एक जज की हैसियत से। और मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि इंसाफ सिर्फ जज में नहीं करना होता, या ये कह लीजिए कि सिर्फ जज वही नहीं होता जो अदालत में बैठा हुआ होता है, हम सब जज होते हैं अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ हैसियत से। एज अ वाइस चांसलर, जब मेरे सामने कोई फाइल आती है तो जाहिर है कि मेरे उसके बारे में फैसला करना होता है, तो मैं जज हूँ, चाहे वो किसी की सिलेक्शन हो, किसी की कंप्लेंट हो या कोई और दफ्तरी मामला हो। इसी तरह यकीनन हमारे सारे असातिज़ा भी जज होते हैं, चाहे वो इम्तहान के नंबर लगाने की कोई बात हो या अपनी तालीमी जिम्मेदारियों को पूरी करने की बात हो। आप सब स्टूडेंट्स और बच्चियाँ भी जज होती हैं जब उन्होंने अपने ज़िंदगी के मामलों में कुछ फैसले करने होते हैं अपने अपने दूसरी कलीग्स के सिलसिले में या अपने जूनियर्स या सीनियर्स के मामले में। और ये बात बहुत अलग है कि हम देखते हैं कि ये मगरबी दुनिया जो अब ह्यूमन राइट्स की बात करती है, इन्वायरमेंट के बारे में बड़ी आजकल एफर्ट हो रही है, और प्रोफेसर साहब ने क्या खूबसूरत बात दी कि उस ज़माने में भी ये बता दिया गया कि अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसको शहर में नहीं लगाना। ये सब हमारे लिए बड़ी काबिल फख्र और काबिल गौर बातें हैं कि जो अब इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बातें हमें मगरिब से अब हम सीख रहे हैं, वो असल में 1400 साल पहले हमारे नबी ने हमें बता दिया कि माहौल का कैसे ख्याल रखना है, दरख्तों पौधों जानवरों का कैसे ख्याल रखना है। और लातादाद वाकियात हैं जो हमें उनकी ज़िंदगी से पता चल रही हैं। और यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट और क्रिमिनल ऑफ वॉर्स के बारे में कानून और ये सारी चीज़ें तो अभी 100 साल नहीं हुए इन बातों को कि जो उन्होंने इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना या उसका एहसास करना शुरू किया। ख़वातीन के राइट्स के बारे में जो हम बहुत सुनते हैं, इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि मगरब में, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो,
100 साल पहले खवातीन के वहाँ पर क्या हालात थे, उनके पास वोट का हक नहीं था, उनके पास जायदाद का तालीम का हक नहीं था। इनफैक्ट जब सर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैंने PhD की और मुझे बड़ी हैरत हुई थी क्योंकि कभी हमें लगता है कि शायद ये हमेशा से ऐसे ही था। मेरी कुछ बहुत सीनियर कलीग्स ने हमें बताया उस वक्त कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर हार्डली कोई 50-60 साल पहले की बात है, 1950s में बात कर रही हूँ कि उस जमाने में वहाँ पर खवातीन को यूनिवर्सिटी में पहले तो एडमिशन लेने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब उन्हें एडमिशन लेने की इजाज़त मिली तो उस वक्त उनकी क्लासेस मेन हॉल्स में नहीं होती थी बल्कि कहीं साइड में शैली से जगह थी जहाँ पे होती थी। जब उन्हें यूनिवर्सिटी के मेन हॉल्स में एडमिशन मिलने की या क्लासेस लेने की इजाज़त मिली तो उसके बावजूद कॉन्वोकेशन पर उन्हें इन्वाइट नहीं किया जाता था बिकॉज दे वर नॉट कंसिडर्ड यू नो गुड इनफ टू गेट डिग्रीज। कैन यू बिलीव कि कितनी ज्यादा की बात है कि एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, एक लड़का और एक लड़की एक ही किस्म की तालीम हासिल करते हैं, एक ही किस्म के इम्तहान में अपीयर होते हैं, रिजल्ट आता है, पास होते हैं और एक को सिर्फ सर्टिफिकेट जैसे आपको डिटेल मार्क्सशीट दी जाती है वो कागज़ में बंद करके पकड़ा दी जाती है और लड़के को बाकायदा कम्युनिकेशन के अंदर बड़े एहसास के साथ डिग्री दी जाती है। ये बड़ी अनमोली सी बातें लगती हैं। मैं ज़ाती तौर पर कहती हूँ कि मुझे खुद बहुत हैरत हुई ये जान को इस वक्त कि वो जो सीनियर खवातीन और मुझे उनसे मिलने का भी इत्तेफाक हुआ जिन्होंने 50-60s में ग्रेजुएट किया से या ऑक्सफोर्ड से, उनको ग्रेजुएशन सेरेमनी में इन्वाइट नहीं किया जाता था। अब हमें ऐसे लगता है या हमें मगरब सिखाता है ह्यूमन राइट्स, विमेंस राइट्स, इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताता है, हालांकि हमें उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी ने, हमारे मजहब ने तो हमें 1400 साल पहले वो सारी बातें बता दी और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता दी, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल अंदाज में बता दी। बात सिर्फ ये है कि ऐसे लगता है कि हमने अपना रुख मुख्तलिफ तरफ कर दिया, हमने ये समझना शुरू कर दिया है कि शायद सोर्स ऑफ नॉलेज वो इदारे हैं, बेस्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। और मैं समझती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी की तरह बाकी यूनिवर्सिटियाँ, सारे तालीमी इदारे, उनका तो बहुत ज़्यादा इस बारे में रोल बनता है कि हम अपनी सोसाइटी का काबा दुरुस्त करें, उनको बताएं कि सोर्स ऑफ नॉलेज एक्चुअली क्या है, कहाँ से विजडम मिल सकती है। सिर्फ नॉलेज का मतलब कोई साइंसी नॉलेज सिर्फ नहीं है बल्कि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसकी विजडम बिहाइंड दैट, वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें हमारे मजहब की तरफ से मिलते हैं। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होनी चाहिए कि मजहब का मतलब सिर्फ इस्लामी तालीम है। मजहब हमें हर किस्म की तालीम हासिल करने के लिए तरगीब देता है, मजहब हमें हर इंसान के हकूक का ख्याल रखने के लिए तालीम देता है। तो इस मेरा ख्याल ये है कि असल में ये हम लोगों की, मुसलमानों की एक नाकामी है कि हम ना सिर्फ अपनी जनरेशन को बल्कि मगरब के भी लोगों को ये नहीं बता सके कि उन्हें और हमें नॉलेज के लिए किस तरफ देखने की ज़रूरत है। ये हमें चाहिए कि हम अपने अमल से इस बात को साबित करें कि एक्चुअल सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कहाँ से बेहतरीन हदायत मिल सकती है, कहाँ से सिर्फ मजहबी नहीं दुनिया में अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारने के लिए, बेहतरीन अंदाज में इस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने का जो हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो अमली नमूना है, वो हमारे नबी की ज़ात में है। और ये बातें हमें जैसे प्रोफेसर साहब ने इतनी तफसील से ये चीज़ें वाजे की कि अगर हमने अपने नबी की हदायात पर अमल किया हुआ होता तो आज ना तो शायद इन्वायरमेंट का कोई शायद ही यकीन है, ना तो कोई माहौलियात का मसला होता, ना कोई दुनिया के अंदर जो इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, जंगे हो रही हैं, ना वो चीज़ें होती और जितनी इखलाकी
पस्ती हम देख रहे हैं और जितने मसाइल हम देख रहे हैं उनका शायद नामो निशान ना होता। और बहुत खूबसूरत बात की प्रोफेसर साहब ने कि अपने वक्ती फायदों के लिए फैसले करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि वो खजाना कम हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अपनी जाती वक्ती फायदों के लिए फैसले मत किए जाए, सही फैसले किए जाए। मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस्लामियात डिपार्टमेंट का, उन्होंने इतनी खूबसूरत बैठक का इनका किया और प्रोफेसर साहब का जिन्होंने इतनी अच्छी खूबसूरत बातें की। आखिर में शेर के साथ खत्म करूंगी। आप सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद से वफा दी गई तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोगों का गलत दे रहे हैं। बारकल्लाहु फी ये मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज ब्राए ख़वातीन यूनिवर्सिटी हमसे मुखातिब थी और रहायत कीमती नसाए हमें इरशाद फरमाई। अल्लाह करे कि हम इस गलती से रुक जाएं जो हमने दीन और दुनिया को अलग कर लिया। दरअसल इस्लाम आया ही इसलिए था कि दीन और दुनिया अलग नहीं, दीन के अंदर दुनिया भी है आखरत भी है। जिनके इरशादात हैं रुश्द व हिदायत का निचोड़, उनके बेपाया तदब्बुर और फरासत को सलाम। जिसका करते आए हैं दुश्मन भी दिल से एतराफ, उस सदाकत उस अदालत उस शजात पर सलाम। इसके साथ ही फैसल खत्म।